पूजा को बोलता है सब कोई कि गिदरिया लोग नेता बनने आई, गिदरिया तब हमको हम नहीं मानते पहले, इधर ही सुन सुन किसी से आदत हो गया, ये गिदरिया लोग नेता बनने आई। अरे हम लोग का नेता बनने का उम्र भी नहीं हुआ है, हम लोग कैसे नेता बनेंगे? जरूरत पड़ने पर बनेंगे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जिस दिन विधानसभा विधायक और संसद लोग का जो जो काम होता है, जो जो उन लोग का लिए काम है, उन लोग नियम नीति जो उन लोग को बनाना चाहिए, ये सब जिस दिन सब हम लोग सीखेंगे तब बनेंगे। अगर नहीं सीख पाएंगे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एक विधायक बनने के बाद हम लोग जब उस समय अगर सीखेंगे तो हम लोग काम कब करेंगे? अभी इसीलिए हमारा झारखंड का ये दिन था, जितना विधायक मंत्री लोग है किसी को मालूम ही नहीं है कि उसको करना क्या है और क्या नहीं करना है, इसीलिए आज ये दिन दशा है। ऐसे लोगों को विधानसभा में लाइए और संसद में लाइए जो लोग को मालूम है नियम नीति की, वो झारखंड का हित में कैसा नियम बनेगा। हमारे कुछ मंत्री जी क्या बोलते हैं कि 60-40 नियोजन नीति कौन सा चिड़िया का नाम है, खुद लागू कर रहे हैं वो लोग और वो लोग को मालूम नहीं है कि कौन सा चिड़िया का नाम है बोल देते हैं। अरे चिड़िया का नाम अगर तुमको चिड़िया लगा तो उड़ा दो ना उसको, कोई दूसरा राज्य में क्यों हम लोग झारखंड में उसको बांध के अपना करके रख रहे हो, पराये को भी अपना रहे हो, मतलब बात यही होता ना, पराये स्त्री को भी बोलेगा मेरा है, हकीकत बात है, बुरा लगेगा दादा लोग लेकिन हकीकत बात है, बोलेगा ना ये लोग। इसीलिए लड़कियों में इतना काबिलियत है कि लड़की अगर चाहेगी, औरत अगर चाहेगी तो पूरा कायनात एक ही दिन में बदल देगी, पलट देगी, उतल पुतल कर देगी धरती को, इतना दम है औरत में। उस दिन विधानसभा में इतना लड़कों के बीच अगर उस दिन 100 लड़कियां 100 औरत भी रहती ना तो विधानसभा का उथल पुथल मच जाता और एक भी नेता मंत्री विधानसभा से बाहर नहीं आ पाता, वहां ताला लॉक हो जाता तुरंत और 2 सेकंड भी नहीं लगता नियम नीति बनाने के लिए। हम लोगों को कमजोर किया जाता है, कमजोर बनाया जाता है, औरत कभी कमजोर नहीं होती। जब आप लोग एक बच्चा को जन्म दे सकती है, वंश आगे बढ़ा सकती है, तो आप लोग कमजोर कैसे हो सकती है? क्या आप लोग कमजोर है? नहीं, औरत को कमजोर बनाया जाता है। और जितने यहाँ भैया लोग हैं, दादा लोग हैं, आप लोग जिस दिन आंदोलन में जाइएगा, जहाँ जाइएगा, औरत को कभी नहीं कहिएगा कि तुम मत जाओ, तुम वहाँ जाके क्या करोगी। अरे आप लोग जहाँ 1000 लोग रहेंगे ना, वहाँ 100 लड़कियां काफी रहेगी लड़ाई करने के लिए। ऐसे भी तो देखते हैं ना कि औरत के सामने कोई मुंह नहीं लड़ता है, एक औरत के सामने मुंह नहीं लड़ता और 1000 औरत निकल जाएगी तो सोचो क्या होगा। सब लास्ट में तंग आ जाएगा, सरकार बोलेगा अरे कर दो भाई, बोलेगा ये लोग मानने वाली है नहीं। अब की बात है, आप लोग वोट दीजिएगा, एक साड़ी में वोट नहीं दीजिएगा क्या? सब दिन आपको साड़ी देते रहेगा बोलो, आप लोग को पति में क्या इतना दम नहीं है कि आप लोग एक साड़ी नहीं दे सकता? एक साड़ी को जा देता है आप लोग वोट देते हैं, ये चीज कभी नहीं कीजिएगा। वोट उसी जगह पे दीजिएगा जहां अपने बच्चा का भविष्य बनेगा। जो साड़ी देगा, जो पैसा देगा, वो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। अरे किसी का घर काम करने जाएंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे एक दिन में, कमा लेंगे ना, तो 500 रुपया में आपका जिंदगी चलेगा क्या? 5 साल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वोट ही तो हमारा एकमात्र अधिकार है जो कि वो हम खुद निर्णय कर सकते हैं। ना ही वो आपको कोई देखने जाएगा, किसको दे रहे नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा देखने। वो एकमात्र वोट है जो हम अपना निर्णय ले सकते हैं, बाकी हर चीज तो हम लोग बचपन से दूसरों का ही सुनते हैं। जब बड़े हो जाते हैं बोलेगा बेटी हुआ मत जाओ, बेटा हुआ मत जाओ, ये सबके लिए बात है, तो हम लोग नहीं जाते। तुम ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करते हैं, उससे बात मत करना, वो अच्छा नहीं है तो उससे नहीं करते हैं, यहाँ मत जाना, नहीं जाते हैं। हर बात हम लोग सुनते हैं, अपना खुद का डिसीजन कुछ ले पाते हैं नहीं। अगर खुद से कुछ डिसीजन लेते भी हैं तो एक बार घर वाले से जरूर पूछते हैं, लेकिन एकमात्र वोट है जो खुद का डिसीजन होता, खुद का निर्णय होता, और उसी को हम लोग ऐसे ही गंवा देते हैं। वो अधिकार हम लोग का ऐसे नहीं गंवाना है, वो अधिकार हम लोगों को ऐसे इंसान को देना चाहिए जो धूल मिट्टी में पाल के बड़ा हुआ हो, ऐसे इंसान नहीं जो बड़ा बड़ा सोना का पालना आलना में बड़ा हुआ हो और सोने का चम्मच में खाना खाया हो। उसको क्या पता चलेगा कि माटी का दर्द क्या होता है? माई माटी का दर्द उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो बचपन से कभी कदम ही नहीं रखा होगा मिट्टी में। मिट्टी का दर्द उसी को पता रहेगा जैसे बच्चा सब। अभी ये लोग जब बड़ा होगा सब सीखेगा समझेगा तो ये लोग को दर्द होगा, ये लोग समझेगा, आगे चल के लोग बोलेगा कि अगर हमारे माता पिता लड़ चुके होते, अगर अभी आप लोग नहीं लड़ेंगे तो यही बच्चा कहेगा। आप लोगों को बोलेगा कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था उस टाइम हमारे माता पिता निकले नहीं, अगर हमारे माता पिता निकल चुके होते तो आज हम लोग को गुलगुलिया नहीं बनना पड़ता। यही बच्चा लोग कहेगा, यही बच्चा लोग आप लोगों को कोसेगा जब बड़ा होगा। तो बड़ा घर का बच्चा क्या ऐसे घूमता है, ऐसे बैठेगा, उसको ऐसी जगह पे छोड़ेगा? नहीं, मेरा बेटा गंदा हो जाएगा, मेरा बेटा का पैर गंदा होगा, मेरा बेटा का ड्रेस गंदा होगा, ये बोला जाता ना। अरे बच्चा को देखे मिट्टी भी खा लेगा तो कुछ नहीं होगा। वो बच्चा लोग कभी खाता है मिट्टी? अभी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए दूसरों का पीछे दौड़ते हैं, नेता मंत्री का पीछे दौड़ते हैं, उन लोग के लिए झंडा ढोते हैं, ढोते हैं ना झंडा, काम उन लोग के लिए ना कर रहे हैं। तो आज जब उन लोग के लिए आप लोग इतना काम किए तो आप लोग के बच्चे को, आप लोग का बच्चा भी तो
जब उनका बेटा फॉर्चुनर में है तो आपका बेटा भी तो कोई ऐसे रूम में ऑफिस में बैठे होना चाहिए था ना, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का पैसा लेते हैं और उन लोग का पीछे पीछे घूमते हैं, और उन लोग का बेटा लोग फॉर्चुनर गाड़ी में घूम रहा है और एसी वाला घर में रह रहा है, और हम लोग के बेटा लोग देखिए आप लोगों का बेटा लोग क्या कर रहा है, दर दर में भटक रहा, जाकर लाठी खा के आ रहा है। अभी खुद के लिए लड़िए और खुद का बच्चा के लिए लड़िए, अब दूसरों के लिए मत लड़िए। दूसरों के लिए बहुत दिन लड़ गए, दूसरों के लिए लड़े बड़ा बड़ा फोर लाइन बन गया, बना ना बड़ा बड़ा फोर लाइन। फोर लाइन में क्या जाता है? बाहर राज्य में हमारे यहाँ का 40% खनिज संपदा है वो जाता है फोर लाइन में। कभी भी फोर लाइन में चेकिंग होता है गाड़ी? कभी नहीं होता है। कभी रोक के जाइए दिखाइए, महिला लोग भी रोक के जाइए दिखाइए, मैया जिम्मे या मैया लोग है और महिला लोग जिम्मे बहन लोग है, आप लोग पे भी धारा लगा देगा। पुरुष तो दूर का बात है, जाके रोक के दिखाइए फोर लाइन गाड़ी को जिसमें हाइबा जाता है, लगा देगा तुरंत 353 का धारा। एक चुटकी भर नहीं सोचेगा सरकार, तुरंत धारा लगा देगा। और जिस रोड पे हम लोग चलते हैं उस पे पुलिस रोकता है, आज आपका हेलमेट नहीं है किसी ने अगर गलती से भूल गए तो यही चीज बोलेगा। जब वो कोई हेलमेट नहीं लेके जाता पुलिस चलान क्यों काटता है, क्या करता है पैसा? अगर तुम देख रहा हेलमेट नहीं है तो उसका सोल्यूशन निकालो ना, 500 रुपया पैसा लो, हेलमेट पकड़ा दो। अपने आप दूसरा दिन आदमी बोलेगा अरे भाई 500 रुपया लेता हेलमेट देखा देता, इतना हेलमेट ले जाके क्या हम घर में स्टॉक करेंगे? वो अपने आप हेलमेट पकड़ के जाएगा। वो लोग सुधारना नहीं चाहता कभी भी, वो लोग लूटना चाहता है, कभी सुधारना नहीं चाहता। अगर सुधारने का होता तो वहाँ 500 रुपये का चालान काटने के बजाय हर दिन 500 रुपया लेके एक हेलमेट देता है। हर दिन हेलमेट देगा तो आदमी डर के मारे अपने आप ले जाएगा, क्या करेंगे? बोलेगा पॉकेट में इतना हेलमेट होगा ना, और ऊपर से माँ बहन गाली दे देता है, चाहे आपका बहन रहे बीबी रहे बच्चा रहे, उन लोग को देखना नहीं है लेकिन उल्टा पुल्टा गाली दे देता है। वो सब उन लोग का संवैधानिक नहीं है। अगर हम लोग बोल दिए बेताहे और बेरोजगार तो हम लोग हो गए असंवैधानिक। चलो भाई संविधान में रहते हुए पद में जो है अभी संवैधानिक पद में वही लोग से सीख रहे हैं, वही लोग से सीख रहे हैं। जैसे एक झारिया विधानसभा की मैम वो दीदी है विधायक, उसको जब वो क्या बोलते बोलती है कि हमको यही के लोग वोट देके जिताए हैं, यही के लोग हमको वोट देने वाले थोड़े मंगल ग्रह से टपके प्यारे दीदी, मंगल ग्रह से कोई नहीं टपका था, यही के लोग दिया था, उस टाइम में कोई जागरूक नहीं हुआ था। आप लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम की हो, लोगों को धोखा की हो, आके बड़ा बड़ा मैनिफेस्ट दिखाती हो, भरोसा करके किसी ने आपको वोट दिया और जिताया है, और अभी आप क्या करती हो? यही के लोग हमको जिताया है, आप जीत के दिखाओ तो तब न मानेंगे, आप जीत के दिखाओ। कहती है कि यहाँ पर संवैधानिक अधिकार है, भारत का कोई भी व्यक्ति आके बस सकता है, तो बसने किसने मना किया है? बसो व्यवसाय करो। तो यहाँ पर क्या हम लोग का पेट में लात मारने देंगे, हम लोग का पेट में खड़ा होने देंगे? नहीं ना। और ये सब गुड़गुड़ी होता है जो यहाँ पॉकेट मार वाला दो चार नेता होते हैं ना, ये बात सब उन लोग को ज्यादा गुड़गुड़ी होता पेट में उन लोग का, और वो लोग हम लोग को बोलने लगते हैं इतनी छोटी छोटी बच्ची इतनी दुबली पतली है एकदम हवा में फूंक देना।